हेलो मेरे दोस्तों, कई लोगों का सपना होता है करोड़पति बनना, लेकिन क्या करोड़पति बनना इनफ होगा? आइए समझते हैं इस वीडियो से। आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक अनबायस्ड कंसल्टेशन एंड लर्न अबाउट पर्सनल फाइनेंस। अमर 30 इयर्स का है, अकबर 35 इयर्स का है, एंथनी 40 इयर्स का है, राम 45 इयर्स का है और लखन 50 इयर्स का है। अब इन लोगों का सपना है 60 इयर्स की एज तक करोड़पति बनना, यानी अमर के पास है 60-30 इयर्स, अकबर के पास है 25 इयर्स, एंथनी के पास है 20 इयर्स, राम के पास है 15 इयर्स और लखन के पास है 10 इयर्स। अब अगर हम ये मान के चले कि इन्हें 12% रिटर्न पर एनम मिलता है, तो अमर को निवेश शुरू करना होगा अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज का हर महीने, और इस निवेश को बढ़ाना होगा 10% से हर साल, मतलब 1000 से शुरू करके 1100, फिर 1200, इस तरह से बढ़ाना होगा हर साल। अकबर को निवेश करने होंगे अप्रोक्सीमेटली 2100 हर महीने, और इस निवेश को बढ़ाना होगा सेम 10% से हर साल। एंथनी को निवेश करने होंगे अप्रोक्सीमेटली 4500 हर महीने, और इस निवेश को बढ़ाना होगा 10% से हर साल। राम को निवेश करने होंगे 10,000 हर महीने, और लखन को 25,000 रुपीस, एंड निवेश को बढ़ाना होगा 10% से हर साल। लेकिन अब अगर ये मान के चले कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई 6% है, तो अमर को 30 इयर्स के बाद मिलने वाले 1 करोड़ की कीमत आज के बस 17 लाख के बराबर होगी। अकबर को मिलने वाले पैसों की कीमत आज के 23 लाख के बराबर होगी, एंथनी की 31 लाख, राम की 41 लाख और लखन की 55 लाख के बराबर। अब इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, और हाँ, बच्चों की शादी में तो लाखों का खर्चा करना है, इन्हें वेकेशन पे जाना है और दुनिया घूमनी है, बड़ा घर खरीदना है। अब ये पैसे जो उन्होंने इकट्ठा किए हैं, इनसे तो एक गोल भी ठीक से अचीव नहीं होगा। वेल, अब मैं ये नहीं कहता कि सपने देखना बुरी बात है, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए एक्शन लेना भी जरूरी है। लेट्स सी कैसे। अब गोपाल ने पहले तो सारे कमीशन के लिए पॉलिसी बेचने वाले रिश्तेदार और दोस्तों को मना कर दिया, एस उसे फाइनेंशियल प्लान चाहिए था और फ्री में मिली एडवाइस और हाई कमीशन वाले प्रोडक्ट्स नहीं। अब उसने CFP को उसकी रीजनेबल फी पे कर दी और समझा कि उसे जो गोल्स अचीव करने हैं उनकी वैल्यूज तब कितनी होगी, और अकॉर्डिंगली अपना निवेश शुरू किया अपने CFP के बताए प्लान के अनुसार, और एक एक करके अपने गोल्स अचीव किए और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी गोपाल की मेंटालिटी वाले हैं, तो एक्शन लीजिए सपनों को हासिल करने के लिए। और अगर अमर, अकबर, एंथनी या राम और लखन की सोच वाले इंसान है, तो क्रिटिसाइज कीजिए इस वीडियो को। एज डेल कार्नेगी, जो एक मशहूर लेखक है, और उन्होंने कहा है, एनी फूल कैन क्रिटिसाइज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो ओपन माइंड रख के शेयर करेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। हाँ, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा फाइनेंशियल विजडम वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।